हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट फहद यूनिस और शो है मेरी कहानी। और जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी कहानी में हम लोग पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाले ऐसे मेहमानों को इनवाइट करते हैं कि जो अपनी जिंदगी में कामयाबियों के राह पर गामजन हैं और दोस्तों के लिए मोटिवेशन का बायस भी हैं। इसी तरह से आज हमने अपने स्टूडियोज में लाइव सऊदी अरेबिया रियाज सिटी से हमने अपने साथ लिया है हिजाब नहीं है, अब बेसिकली पाकिस्तान से हैं, लेकिन इस वक्त वहाँ पर आईटी कंट्रोल नामी एक कंपनी में जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रही हैं। तो इसके अलावा आपकी कहाँ से शुरू हुई, आपने कैसे सारे मराहल तय किए और आप माशाल्लाह आप एक अच्छी पोजीशन पर मौजूद हैं, तो ये हम जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जबानी और आगे बढ़ाएंगे अपने प्रोग्राम को। हिजाब भाई हमारे साथ लाइव हैं। हिजाब अल गफूर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, फेरियस हैं? मोस्ट वेलकम इन आवर स्टूडियोज। वालेकुम सलाम फाद भाई, आपका और मेरी कहानी का पूरी टीम का बड़ा मशहूर हूँ कि आप लोगों ने हमें भी टाइम दिया अपने जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन भाई हैं उनसे मुखातिब होने का। वैसे तो हम होते रहते हैं फेसबुक के ऊपर और जितने भी सोशल मीडिया है, लेकिन ये एक ऐसा जरिया आप लोगों ने बनाया है जिससे ज्यादा फायदा पहुँचता है। जी बहुत शुक्रिया हिजाब भाई आपका, आपके अल्फाज हमारे लिए बायस एजाज हैं। तो हिजाब भाई, हम लोग जानना चाहेंगे कि हिजाब अल गफूर की कहानी कहाँ से शुरू हुई, बचपन कहाँ गुजरा, तालीम और कैरियर आपने कैसे स्टार्ट किया और माशाल्लाह आप अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये सब बताइएगा, हमारे लिसनर व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपकी जुबान। देखिए जी, ये तो जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे ये तो बर्थ से ही स्टार्ट करेंगे। बाय बर्थ मैं कराचियन हूँ और 1987 जो है मेरी जो है डेट ऑफ बर्थ। अब बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट दीर से हूँ, जिला दीर जिसको हम कहते हैं, और ये है केपीके में एक डिस्ट्रिक्ट। स्टार्ट से तो हम कराची में थे, मेरे वालिद साहब कराची में थे और मेरी बर्थ और मेरे कुछ जो भाई है उनकी भी बर्थ कराची में हुई, तो कराची के साथ हमारा सिलसिला जो है ये बाय बर्थ यानी। और जहां तक कैरियर का ताल्लुक है तो बचपन से हम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और मेरे वालिद साहब जो है वो भी एक ऑटो मैकेनिक थे और बचपन में उनके साथ भी मैंने बड़ा हाथ बटाया, उनके जो है वर्कशॉप में मैंने काम भी किया था बहरहाल स्कूल के जमाने। इसके बाद का जो दौर है मैट्रिक मैंने जिल्लेदीर से किया क्योंकि 1999 में हम शिफ्ट हो गए जिल्लेदीर में और उस अलबारुक पब्लिक स्कूल से मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद जो है मैंने एफएससी जिसको हम प्री इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन पिशावर में लिया। अब देखिए एजुकेशन मेरी पाकिस्तान के कुछ अलग अलग हिस्सों में रही और एफएससी मैंने जब पिशावर से किया तो मैंने वापस कराची का रुख किया जिसको हम कहते हैं आला तालीम के लिए हम कराची रवाना। तो बहरहाल कराची में मैंने एडमिशन लिया फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में बीएस कंप्यूटर साइंस में, तो वहां से जो हमने ये तालीम का सिलसिला जारी था। लेकिन आईटी से मैं जो वापसता हूँ क्लास 8 से और 2000 में मैंने जो है अपनी पहली वेब बनाई थी वेबसाइट 2000 में, जब फेसबुक का नाम निशान भी नहीं था उस वक्त और वो था deer20m.com के नाम से, आज भी वो मौजूद है। तो फहद साहब, बात ये है कि जहाँ तक करियर का ताल्लुक है तो बकायदा तौर पे मैंने थर्ड सेमेस्टर से आईटी जो इंडस्ट्री है वो ज्वाइन की थी यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर में और मेरी खुद की एक कंपनी थी पाक वेब जोन के नाम से जिसको बिल्कुल जीरो से, देखिए मैंने जो भी कहा कि भाई हमने जो भी किया है वो बिल्कुल जीरो से किया है और जो बंदा भी जीरो से करता है वो बहुत धक्के खाता है और बहुत कुछ ही सीखता है। जिस तरह आप दिलवली साहब की आप लोगों ने भी इंटरव्यू की थी, मेरे ही शागिर्दी में भी रहा है, उसने भी बड़े जीरो से स्टार्ट किया तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि जब हमने स्टार्ट लिया पाक वेब जोन का 2009 में, उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर में था
और आलम यह था कि जब हमने कंपनी एस्टेब्लिश की थी तो हमें पता नहीं था कि कंपनी क्या होती है भाई, कंप्यूटर भी लाना होता है, बिजली का बिल भी पे करना होता है और जिस तरह हमने कहा सैलरीज भी देनी होती है। अब हम तो फंस गए, लेकिन हमारे पास एक ही इरादा था आईटी वालों के पास, जब हम एक काम में अंदर चले गए तो हमने वापस सक्सेस होके बाहर निकलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी टीम मिली मुझे वो बहुत कोऑपरेटिव थी, आज भी जो है वो बड़े बड़े इंडस्ट्री में मौजूद है, बड़े बड़े नाम है। तो वहां से हमने कैरियर का आगाज किया एज ए वेब डेवलपमेंट, और मैं ट्रेनिंग भी दे देता पीएचपी की और आज भी देता हूँ सऊदी अरब में, लेकिन आवाज हो रही था जी। फहद भाई, तो अब बात आती है हमारे अप्स एंड डाउन्स के। जिस तरह मैंने कहा कि अप्स एंड डाउन्स हर बिजनेसेस में आते रहते हैं, 2009 में हमारे पास अपने ऑफिस में सिर्फ दो कंप्यूटर्स थे, एक मेरा था खुद का जो हम गए उस कंप्यूटर साइंस में यूज करते थे, और एक मेरे उस दोस्त का था जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में भी था, गुलाम मुश्तबा नाम है उसका। हम दो ही कंप्यूटर के मालिक थे और कुछ ऐसे चेहरे थे जो बड़े मतलब एक्टिव चेहरे थे। उन्होंने कहा था कि अगर हमने ये कंपनी बनानी है तो हमने इसको आगे उठाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा जो है 2009 गुजरा, 10 गुजरा, कंप्यूटर बढ़ते गए, लोग बढ़ते गए, पीआर बढ़ता गया और 2013 में जो है हमने बड़ी अच्छी जो है रेपुटेशन कराची में हासिल कर ली पापड़ जोन की। तो उसके बाद जैसे ही 2013 गुजरा, क्योंकि हमने जीरो फाइनेंस से स्टार्ट किया था। देखिए मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास दो कंप्यूटर थे, मेरे वालिद साहब ने मुझे सिर्फ 1,50,000 रुपए दिए थे जो रेंट में चले गए और जो डिपॉजिट में चले गए, एज एवरीबडी नो। अब हमारे पास जो कुछ था वो हमारी मेहनत थी। तो हम क्या करते थे कि हम जाके स्कूल में पढ़ाते थे, वो उससे हमारी पॉकेट मनी चलती थी। यहां पर हम प्रोजेक्ट पे काम करते थे और एक प्रोजेक्ट मैंने डेवलप किया था मेरा pakistan.com.pk के नाम से, जिसको हमने कहा था ये फ्री एनसाइक्लोपीडिया है, और उस वक्त उसकी पेज रैंक थी गूगल पेज रैंक 3 चल रही थी, वही हमारा आसरा था और गूगल एडसेंस हमें पे कर रही होती थी और हम अपने जद्दोजहद में लगे। लेकिन देखें, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सोचा नहीं जाता, ठीक है जी, अगर आपके पास उसकी बेसिक नॉलेज है तो वेल एंड गुड, आप घुस जाते हैं, फिर हर एक चीज आपको लर्न करनी पड़ती है। तो इसी वजह से जब आप 7-8 साल इस इंडस्ट्री में रहते हैं तो तमाम नरमी गर्मियां बर्दाश्त करते हुए आगे पहुंच जाते हैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती कि फाइनेंस कैसे मैनेज होगा, फिर ये टेंशन नहीं होती कि भाई ये रेंट कैसे मैनेज होगी, पर एक स्ट्रगल होता है और वो चलता जाता है। 2013 से हमने इंटर्नशिप्स का आगाज भी किया पाकॉप जोन में, और हमने इंटर्नशिप्स दिए, ट्रेनिंग्स दी, और हत्ता के मैं एक दिन में आप यकीन जाने पीएचपी की जब मैं क्लासेस लेता था तो मैं 10 क्लासेस लेता था रेगुलरली 1.5 आवर की, क्योंकि उस वक्त हमें फाइनेंस की भी जरूरत थी और जितने भी स्टूडेंट्स आते थे वो कहते थे ये हिजाब गफूर साहब से पढ़ना है वरना हमने नहीं पढ़ना। हालांकि वो बाकी टीम भी हमारी जो है बड़ी स्ट्रांग थी, फिर उनको समझा बुझा के हम जो अपनी टीम की तरफ भेजते थे, तो इतना टाइम नहीं मिलता था कि बंदा उस वक्त काना का है, और ये आईटी इंडस्ट्री में जो भी बंदा मौजूद है उनको भी पता लग जाता है कि कितना टफ टाइम होता है आईटी वालों का। उसके बाद जो है मेरे वालिद साहब आए कराची, क्योंकि मेरे वालिद साहब सऊदी अरब में थे, मेरे दो भाई भी सऊदी अरब में है माशाल्लाह से, तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि देखिए जितनी भाग दौड़ तुमने करनी थी वो कर ली। अब मैंने एक बिजनेस प्लान बनाया था 2013 से 2015 तक, और वो था 3.8 बिलियन का, जिसमें हमने मल्टीनेशनल कंपनी एस्टेब्लिश करनी थी, उसके लिए फाइनेंस की थी। तो अब मेरी उम्र जो है अभी 28 साल है, उस वक्त मेरी उम्र पता नहीं 24 साल होगी या कितनी होगी, कौन ट्रस्ट करता है यार 24 साल के ऊपर के वो आपको जो है वो 5 मिलियन दे और 6 मिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट करे कि अब जाके चला है, नहीं जी कोई भी नहीं करता।
तो इस वजह से मेरे वालिद साहब की बात पे मैंने तब तक कहा और मैंने कहा कि हम सऊदी अरब चलते हैं और सिर्फ एक ही शर्त के ऊपर मैं सऊदी अरब आया हूँ कि भाई जितना भी फाइनेंस चाहिए हमारी कंपनीज को वो मैं यहाँ से फाइनेंस करूंगा और हमारी कंपनी जो है वहां चलेगी, मेरी जितनी भी टीम है मेरे जितने भी लोग है वो वहां काम करेंगे, मैं भले यहाँ पर सर्वाइव करके वहां पर करूंगा। एक और कंपनी हमने एस्टेब्लिश की माइंडज़िम के नाम से, माइंडज़िम आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी अभी का कंपनी है जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हुई है। अब देखिए माइंडज़िम अगर है और प्राइवेट लिमिटेड भी कंपनी है तो उसकी वर्थ बनिस्बत पाक वेब जोन से ज्यादा होगी। अब पाक वेब जोन का एक्सपीरियंस आ गया, सऊदी अरब का एक्सपीरियंस आ गया, अब डेली हम इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज से मिलते हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि अगर हिजाबुल गफूर आज इस सीट पे बैठा हुआ है तो उसके पीछे क्या राज है, और मैंने आप लोगों को सिर्फ यही बताया कि हमने बैठ के गाने वालों में से नहीं है, हम स्ट्रगलिंग लोग हैं। अभी स्टिल मैं तकरीबन 2-3 घंटे स्टडी करता हूँ बिजनेस, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, ये तमाम चीजें जो है स्टडी करने के बाद ही अगर आप एक मुकाम पर पहुंचते हैं तो वो इसका अलग ही मजा है जब आपके पास एक मुद्दा हो। और मजे की एक और बात बताऊं जो अक्सर लोग जो है धोखा खा जाते हैं, और मेरे पाकिस्तानी भाइयों से भी एक दरख्वास्त होगी, जिस तरह पाक वेब जोन एस्टेब्लिश हुआ मैंने कहा दो कंप्यूटर्स थे और हम आगे लेके चले, जब 2013 तक हम पहुंचे तो लोगों ने देखा कि यार हिजाबुल गफूर के पास तो कुछ पैसा भी नहीं है और उनके पास रश लगा हुआ है, टाइम ही नहीं होता कि भाई वो किसी से बात करे, और हमारे पास पैसा भी है हम इससे बेहतर ऑफिस खोल सकते हैं, और उन्होंने ऑफिस खोल दिए। अब उन्होंने जब ऑफिस खोल लिए तो उसकी वर्थ मेरे ऑफिस से 10 गुना और 20 गुना ज्यादा थी। जाहिर सी बात है यार, जब इतना बड़ा ऑफिस खुलेगा आपके पास कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं होगा, आपने धक्का नहीं खाया होगा, आपके पास उस बिजनेस का हेलो हाई नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो फ्लॉप होगा और 3 महीने के बाद जो है वो ऑफिस बंद हो जाते थे। फिर वो आके मेरे सामने, फिर यार साहब आप कैसा मैनेज करते हैं, मैंने कहा यार ये बिजनेस चलाने ये लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ है, ये ऐसे ही चलता जाता है, इसमें पैसा भी आता है और थ्रू आउट जो है आपने इसकी प्लानिंग करनी होती है। जितनी भी टीम आपकी होती है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है वो ऑफिस को सहारा दे रही होती है लेकिन आप उनके सपोर्टर्स होते हैं, तो उनका सारा देखना आपकी तरफ है, जब आप अपनी टीम को देखते हैं कि वो परेशान है तो बंदा बहुत परेशान हो जाता है। तो ये तो थोड़ी सी स्टोरी थी कि देखिए हमने किस तरह गिरते उठते जो है वो अपने करियर का आगाज किया। देखिए करियर का आगाज तो मैंने जो टेक्नोलॉजी से किया, मैं अपनी आईटी दिए दोस्तों को वो भी बता दूं। अजीम अकरम सोलंगी साहब थे हमारे, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे मेरे एक दोस्त थे गुलाम मुश्तबा और मैं हम गए वहां पर और हमने अजीम अकरम सोलंगी साहब से जो है PhD सीखनी चाहिए, बड़ी हमें जो है डांट पड़ी अजीम अकरम सोलंगी साहब, क्योंकि हमें कोडिंग और वो लॉजिक समझ नहीं आ रही थी और वो हमें बार बार कहता था कि भाई आप लोग जाओ, आप लोग का काम नहीं है ये, आप लोग ये PhD नहीं सीख सकते। लेकिन हमारे पास गुलाम मुश्तबा साहब थे, वो आजकल जो है इस्लामाबाद में है और MS कर रहे हैं। उसने कहा नहीं जी सर, हम अगर जाएंगे तो ये PhD सीख के जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। तो ये है कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, और हम आज भी उनको दुआएं देते हैं कि जो भी हम हैं वो माँ बाप की दुआएं और उनकी मेहनत और अपने असातिज़ा की जो है मेहनत है वो उसमें शामिल होती है। और कोई भी अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म की तरफ जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड करता है तो वो आपके गाइडनर्स होते हैं और आपके टीचर्स होते हैं। तो मैं कभी भी अपने टीचर्स को बोला नहीं हूँ, डांट तो हमें आज भी पड़ जाती है माँ बाप से, क्योंकि अभी भी मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है। सऊदी अरब आने का मकसद भी मैंने बता दिया आपको। फिर जब मैं सऊदी अरब में आया तो देखिए अब वो 7 साल एक्सपीरियंस डेवलपर जिसके पास पाक वेब जोन में टाइम नहीं मिलता था, सऊदी अरब में आके बेरोजगार। अब 3 महीने मैंने जो है ऐसे ख्वारी में काटे हैं कि भाई कोई जॉब नहीं थी मेरे पास,
और ये मैं सऊदी अरब के जो दोस्त थे यहाँ पर बेरोजगार है उनको भी बताना चाहता हूँ, और जो पाकिस्तान से आने वाले हैं उनको भी बताने चाहता हूँ, और जो भी फॉरेन विजिटर्स होते हैं उनको भी बताना कि देखिए जो भी कंट्री में आप जाते हैं, चाहे आप जितने भी एक्सपीरियंस डेवलपर क्यों ना हो, सर्वाइव करनी पड़ती है भाई हर जगह पर। तो जब मैं आया तो लोगों ने मुझे कहा कि ये आप कैसे डेवलपर है, ये तो आपने आपको जॉब नहीं मिल रही यार, ये क्या सिस्टम है, आप कैसे कराची में काम करते थे, ये सब झूठे है। बहरहाल इससे पहले मैंने एक बात और आप लोगों से नोट की, जब मैं पाक जोन में था तो एग्जैक्ट से मुझे ऑफर आई थी 1,15,000 के पे के ऊपर, और वो कुछ मतलब वही बात है जिसके ऊपर एग्जैक्ट बैंड हुआ। बहरहाल हम तो बिलीव नहीं करते, लेकिन मेरे चंद दोस्त थे उन्होंने जो है मुझे कहा कि भाई आप एग्जैक्ट में ना जाए, और उसके मैं जिक्र करूंगा कि भाई क्या रहे। अब उसके बाद एक मेरे स्टूडेंट थे एक आईटी फर्म में, वहां से मुझे ऑफर आई 70,000 की। अब मैं यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास आउट होने वाला, वहां पर भी मैंने नहीं, क्योंकि मुझे पता था सऊदी अरब में रियाज होते हैं और वहां मजे होंगे, अगर मैंने यहाँ पर कर दिया तो मैं मुझे जॉब की क्या जरूरत। अब आप ये सोचे एक एंटरप्रेन्योर को जॉब की क्या जरूरत है, वो तो बैठे लैपटॉप पे भी लाखों कमा सकता है। खैर मेरा बैग बहुत मजबूत हो गया और मेरा हौसला बढ़ गया कि भाई अगर इनकेस हालात कुछ ऐसे हुए तो मैं फिर जॉब की तरफ जाऊंगा और वहां से फिर कंपनीज को फाइनेंस करूंगा, लेकिन बिजनेस छोड़ने का नहीं है, क्योंकि जितने हमने ये सर्वाइव किए हैं वो उसके पीछे, और उस इस सब के पीछे, इस मैनेजमेंट की क्वालिटीज के पीछे एक ही बात है, स्टूडेंट लाइफ में मैं इस्लामी जमीयत तलबा में रहा हूं। और ये बात अगर मेरे दोस्त जितने भी पॉलिटिकल पार्टी या जिससे है वो एग्री करेंगे स्टूडेंट लेवल पे कि इस्लामी जमीयत तलबा जो है वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म देता है मैनेजमेंट के हवाले से। तो जहां से हमने वहां पर मैनेजमेंट सीखी यूनिवर्सिटी के जमाने से, वो यहाँ पर रिप्लाइड हुई और फिर जो है हम आगे बढ़ते गए। तो जैसे मैं आया 3 महीने हमने यहाँ पर गुजारे, तो जब जिस इंटरव्यू पे मैं जाता था वहां पर मैं अपनी सैलरी जो लोकल थी वो उससे मैं 3 गुना ज्यादा था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था। सब लोग सर पकड़ के बैठ गए, ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो जिसकी गल्फ कंट्री में 5-6 साल एक्सपीरियंस की बात कर। मैंने कहा भाई आईटी की दुनिया एक ऐसी दुनिया है, चाहे आप किसी भी कमरे में बैठो, किसी भी मुल्क में बैठो, कोड एक ही लिखना है, लॉजिक एक ही है, तो एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। अब आपने मुझसे अरबी थोड़ी बुलवानी है कि भाई हमने अरबी में बात करनी, मुझे अरबी नहीं आती, खलास खत्म। तो बहरहाल वो पीरियड भी गुजरा जब मुझे जॉब मिली, फिर लोगों को तसल्ली मिली और जॉब मुझे ऐसी कीमत पे मिली, लेबर रेट पे मुझे जॉब, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जॉब पे जॉब, स्विचिंग पे स्विचिंग, और फिर वो मैं आ गया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जो सीट डिजर्व करते हैं अल्लाह ताला उसमें आपको पहुंचाएगा, लेकिन शर्त यह है जब आप हिम्मत ना हारे। तो ये तमाम जो कहानी थी उसके पीछे यही बैकग्राउंड था कि आप जब भी हिम्मत नहीं हारते और लगे रहते हैं एक अज़्म के साथ, और आपके दिल में सच्चाई, देखे एक होता है लोगों को सच्चा दिखाना, एक आप खुद के साथ सिंसियर हो, तो लोग हो सकता है बाद लोग आपसे जो है वो नाराज भी हो जाए, बाद जो है जैसे मेरे घर वाले नाराज थे कराची में, साफ बात ये कि कराची के हालात और आप वहां और हम यहाँ पर सऊदी अरब में, और हम नहीं अफोर्ड कर सकते आपके ये रोज रोज की टेंशन कि हड़ताल है, आज ये है आज ये। और यकीन जाने हमारे इस हालात में जब हम कराची में थे तो महीने के 10 दिन तो हमारे ऑफ होती थी, 10 दिन हड़तालों में चले जाते थे, 10 दिन काम होता था, और वही इसके। तो फाद साहब मेरा तो जहां तक ताल्लुक है बेसिकली पठान हूँ, और मैंने कहा कि पाकिस्तान के साथ मेरा बहुत ज्यादा बड़ा गहरा रिश्ता है, क्योंकि मैं पिशावर में भी रहा हूँ, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, तो क्वेटा को छोड़ के, क्योंकि क्वेटा में कोई दोस्त नहीं मिला, अभी तो बहुत सारे हैं लेकिन यह है वहां का विजिट नहीं। जी माशाल्लाह, बहुत डिटेल से और बड़े जो है वो आपने जामे अपने स्टोरी सुनाई, यकीनन बहुत सारे लोग जो है वो जान पाएंगे कि इजाजुल गफूर की कामयाबी के पीछे
कितनी बड़ी और आई एम सॉरी है। तो जब भी हम लोग ये जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त जिस कंपनी में आप हैं माशाल्लाह आईटी कंट्रोल नामी कंपनी में, और जो कंपनी आप पाकिस्तान में चला रहे हैं, किस तरह के आप लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं, जरा करंटली बताइएगा क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं आजकल, किस तरह की चीजों पे आप लोग काम करते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया फार साहब आपने। देखे जो टेक्नोलॉजीज हम पाकिस्तान में कर रहे थे, तो मैंने देखे ऐसे रिलैक्स फील किया जब मैं आईटी इंडस्ट्री में भी यहाँ भी लगा, वही पीएचपी वेब डेवलपमेंट थी और मैं जो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहा था। जब मैं सऊदी अरब में आया तो उसकी डिमांड कुछ और थी, क्योंकि यहाँ पर आईटी वालों को कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दी जाती है, और जिनको जो है थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो, बोल्ड हो, प्रेजेंटेबल हो, तो उनको बड़ी कदर की जाती है सऊदी अरब में। तो जैसे मैं आया तो मैंने अपना एप्लीकेशन डेवलपमेंट का आगाज किया, और हमने यहाँ पर एक कंपनी के लिए शिपमेंट एप्लीकेशन बनाई। जितनी उनकी शिपमेंट्स आती थी वो मैनेज करना, शिपमेंट अप्रूवल और उसकी तमाम डिटेल्स, और ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन थी। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन जब मैंने बनाई तो जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी कंपनियों ने मुझे फिर ऑफर की कि अब आप हमारे साथ काम करें, क्योंकि उनको पता लग गया था कि ये जो अब बेरोजगार नहीं रहेगा, अब ये वाकई डेवलपर है। तो फिर इसके बाद मैंने मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर स्विच किया, जावा पढ़ी। जावा तो खैर मैंने पहले से पढ़ी हुई थी, लेकिन हमने जो चूंकि काम नहीं किया था तो हेलो हाय होती है, और ये मैं आईटी इंडस्ट्री में जो भी लोग होते हैं उनको बता दूं कि देखिए टेक्नोलॉजी स्विच करना एक डेवलपर के लिए जिस तरह आप खाने में कोई और डिश स्विच करते हैं, मैं इतना आसान बना देता हूँ। वही कोड, वही लॉजिक, वही सिनेरियो, बस उसकी जुबान थोड़ी सी अलग होती, वो आपको तो सीखनी पड़ती है कि अभी ये किस तरह काम वही हो रहा होता है। वही एफ एल्स की स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट्स, वही एल्गोरिथम्स होते हैं, भाई क्या करना है, ये हो तो ये हो जाए, वो डेटाबेस वही ऑरेकल का मैंने डेटाबेस यहाँ पर बनाया, ऑरेकल के ऊपर काम किया मैंने, यहाँ पर एंड्रॉइड के ऊपर काम किया, आईओएस के ऊपर काम किया। अभी रिसेंटली जो मैं प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ वो नाम तो मैं बहरहाल खुफिया रखूंगा, और वो हमारे पास यूएस का एक क्लाइंट है, एक सऊदी अरब, तीन पार्टनर्स है जिसके ऊपर अभी ये काम कर रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म मैं भी बता दूं, उसके कुछ टिप्स बता दूं, क्योंकि जैसे ही वो लॉन्च हो जाएगी तुम। अच्छा जी, उस प्रोजेक्ट में हम जॉब्स हंटिंग के हवाले से और जॉब्स प्रोवाइडिंग और कैरियर के हवाले से लिंक्डइन के कंपटीटर्स हैं। उस प्रोजेक्ट में हम फ्रीलांसिंग के हवाले से अपवर्क और ईलांस के कंपटीटर हैं, और फाइवर्स जो भी ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उसके कंपटीटर है प्रोजेक्ट में। उस प्रोजेक्ट में हम अकेडमी, जिस तरह उसमें अकेडमी है, यूडीमी और बहुत सारे लाइव प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ट्रेनिंग्स देते हैं प्रोफेशनली, हम उनके कंपटीटर्स हैं। तो देखिए ये हमने ये चार चीजें, प्रोफेशनल्स को गैदर करना, ये एक प्रोजेक्ट है गैदर करना, और उनके लिए ऐसे ऐसे मौके फराहम करना, या तो वो जॉब ढूंढे या फ्रीलांसिंग करे या कुछ सीखे, ये तमाम चीजें उस प्रोजेक्ट में है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बिलियंस जो है उसके ऊपर अभी तक अभी लग रहे हैं। तो ये है कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, अगर लॉन्च हो गया इंशाल्लाह तो ये एक बूमिंग प्रोजेक्ट होगा हमारे लिए। तो मैंने कहा कि भाई मैं इन तीन टेक्नोलॉजीज पे काम करता हूँ। काम तो अभी मैं कुछ नहीं करता, जिस तरह फाद साहब मैंने बताया कि मैनेजमेंट का काम फिर सिर्फ ये होता है कि अपने डेवलपमेंट टीम को देखना, जो भी आपके वायर फ्रेम्स बनते हैं, यूज केस डायग्राम्स बनते हैं, क्लाइंट से मीटिंग्स होती है, वो अपने डेवलपर्स तक पहुंचा देना, और इनके लिए ज्यादा से ज्यादा मैं जो है डेटाबेस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बना के देता। तो ये बातें तो बहरहाल आम यूजर्स को समझ नहीं आएगी, लेकिन आईटी प्रोफेशनल्स और जो भी अपकमिंग लोग हैं उनको आसानी से समझ आ जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। सही, मैं समझ गया हिजाब भाई, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। अभी बहुत सारे लोग जो लोग आपकी कहानी देख रहे होंगे इस वक्त लाइव, तो वो चाहेंगे कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें किसी प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकता है, वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी हो सकता है, मे बी कंपनीज आप तक अप्रोच करना चाहें, तो आप काइंडली अपनी जो है वो कंपनी का यू आर एल, अपने ईमेल और अपना फेसबुक यू आर एल
शेयर कीजिएगा हमारे सुनने और देखने वालों से। देखिए जी सर, सुनने और समझने वालों के लिए एक ही टिप है, हिजाब उल गफूर सर्च करें गूगल पे, मैं कहीं से भी जाके मिल जाऊंगा आपको, क्योंकि फेसबुक है, ट्विटर है, जितने भी है, मेरे ईमेल्स भी वहां पर मौजूद है, मेरी कंपनी की जितनी भी, वो एक खुली किताब है, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर लोग जो है वो अपने आप को खुफिया नहीं रखते, ना कंजूस होते हैं बाद लोगों की तरह की, नहीं यार ये आगे निकल जाएगा ये आगे, हम तो फखर करते हैं भाई, जिस तरह अब्दुल वली है हमारे पीएचपी, हमने इकट्ठे उनको सिखाई, अब वो एक प्लेटफॉर्म पे है, तो हमें फखर हो रहा है कि अब्दुल वली साहब है, तो अब्दुल वली अब लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो मेरा एक ही मकसद है और एक ही मैं आप लोगों से जो है वो एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इल्म आप लोगों के पास है या तो आप लोग डिलीवर करें, या जो है आप लोग किसी को भी अगर मशवरा दे तो दिल से दे और उनके लिए आसानियां पैदा करें, क्योंकि अल्लाह ने आप लोगों के लिए आसानियां पैदा की है और करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है। बहरहाल बाद लोग कहते हैं जब उनको पूर से रब्ता नहीं होता, तो जनाब इस तरह होता नहीं है कि अगर हमारे पास फ्रेंड लिस्ट में 5,000 लोग है और हर बंदा जो है एक दिन में 150 मैसेज आ जाते हैं तो टाइम हो जाती है। तो इस वजह से अगर ईमेल पे वो लोग रब्ता करेंगे इंशाल्लाह तो जरूर इंशाल्लाह उनको मौका मिलेगा और बात भी करेंगे। जी ठीक हो गया हिजाब भाई, हम लोग जो है वो आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स स्लाइडर में डाल भी देंगे। हम लोग अब ये जानना चाहेंगे क्योंकि वक्त थोड़ा मुख्तसर है, आप जो है वो हमारे शो मेरी कहानी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय का इजहार करना चाहेंगे। देखिए मैं तो जिस तरह मैंने और भी वीडियोस देखी, मैं देखता रहता हूँ मेरी कहानी के जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, देखिए वो सब इंस्पायरिंग होते हैं और मैं कोई भी ऐसी चीज जो मोटिवेशनल हो और इंस्पायरिंग हो उसको कभी मिस नहीं करता, क्योंकि मैंने ये अभी तक ये सारी इंटरव्यू हुई, मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि मैं परफेक्ट पोजीशन में हूँ, मैंने अभी भी कहा कि मैं लर्निंग पोजीशन पे हूँ और आई टी में लर्निंग सब कुछ होता है। तो मेरी कहानी से जो है वो फायदा मुझे होता है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे जब मैं लोगों को सुनता हूँ कि देखें इन्होंने भी इस तरह काम किए हैं और मैं कंपेयर करता हूँ, तो मुझे वाकई एहसास हो जाता है कि हाँ वाकई ये लोग सही कह रहे हैं और उनके साथ जो हो चुका है या होने वाला है या वो जो कर रहे हैं वो सब मैं देख के बड़ा खुश होता हूँ। और मेरी कहानी की टीम को जिस तरह मैंने पहले भी कहा और आपको मैं बड़ी जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ उस प्लेटफॉर्म पे। और देखिए इस पे दो काम होते हैं, एक तो लोगों के साथ मीटअप हो जाती है, दूसरी बात ये कि एक खार खैर है, जितनी भी चीजें आप लोग जो है पब्लिश कर रहे होते हैं इंटरव्यूज वो तो लोग देख के उनसे इंस्पायर होते हैं, कुछ सीखते हैं, तो ये आपको उसका क्रेडिट जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर मेरी कहानी टीम फॉर अरेंजिंग दिस प्लेटफॉर्म। जी जी हिजाब भाई, फाइनली कोई मैसेज कोई बात आप मजीद बोलना चाहेंगे, कोई पब्लिक मैसेज देना चाहेंगे सुनने और देखने वालों? देखिए पब्लिक मैसेज तो मेरा यही है कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ और कल परसों जो है हमारी शहजादी भी गुजरी है और पाकिस्तान के हालात में देखता भी हूँ, लेकिन जो लोग भी पाकिस्तान में है वो खुश नसीबों में से, ठीक है जो वो अपने मुल्क में बैठे हैं, ठीक है हमारे पास नरमी गर्मी आती रहती है और जिस तरह हमने कहा कि भाई कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, तो आप लोग एक बात मैसेज में बताऊंगा कि शॉर्टकट जो है वो यूज ना करें, प्लीज ये शॉर्टकट के चक्कर छोड़ दीजिए और अपने आप में मुस्तकिल मिजाजी पैदा कर लीजिए, ठीक है लोग बहुत सारे आप लोग को जो है वो निगलेक्ट भी करेंगे, इग्नोर भी करेंगे और कुछ डांट टपट भी जो है पड़ सकती है इसमें, लेकिन जो आप लोगों ने तय कर लिया उसके ऊपर आप मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे और जहां पर भी रहे खुश रहे और हमें भी अपने दुआओं में याद रखे और तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से जो है वो जश्न आजादी मुबारक हो जो कि गुजर चुकी है और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। हिजाब भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला और जो है वो हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपके साथ रابطے में रहेंगे और आपसे मजीद भी टॉपिक्स पर इंटरव्यूज करना चाहेंगे। इंशाल्लाह जरूर बहुत शुक्रिया।